हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। मेरे चैनल पर आप लोगों को बिल्कुल सही और सटीक जानकारी दी जाती है। जितनी भी सरकारी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसी आती है टीचिंग से जुड़ी, आप लोगों को चैनल के माध्यम से बताई जाती है। DSSSB की तरफ से जो है टीचर्स की वैकेंसी आ ही चुकी है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि PGT और नर्सरी टीचर्स की वैकेंसी आई है, और नेक्स्ट जो है TGT और PRT की बारी है। आप लोगों को एडवर्टीजमेंट जो है 2 दिन में ही देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर एक और नया विज्ञापन जारी हुआ है, नॉन टीचिंग पोस्ट का 2354 वैकेंसी है, परमानेंट सरकारी नौकरी रहेगी। सभी राज्य के कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, सबसे पहले विज्ञापन आप लोगों को दिखा देती हूँ कौन कौन सी पोस्ट की वैकेंसी है। गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, 22 दिसंबर 2023 को ही जो है ये भी एडवर्टीजमेंट जारी हुआ है, जो कि शिक्षक भर्ती का भी जारी हुआ है। इसमें ध्यान रखना है वैकेंसी नोटिस एडवर्टीजमेंट नंबर। ये मैं आप लोगों को क्यों बताती हूँ कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो फटाफट से जो है नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं कि हमें जो है यही वाला नोटिफिकेशन देखना है, 5/2023 जो जारी किया गया था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर भी जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन अभी स्टार्ट नहीं है, 9 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो जाएंगे, लास्ट डेट रहेगी 7 दिसंबर 2024। तो ये जो है अभी शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है, जिसमें पदों की संख्या क्या है ये आपको बताई गई है, कौन कौन से डिपार्टमेंट के, अलग अलग डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, जॉब दिल्ली में ही लगेगी, और कौन कौन सी पोस्ट की वैकेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पर कुल जो वैकेंसी है वो मैंने आप लोगों को थंबनेल में भी दिखा दी है, 2354 जो है कुल वैकेंसी है, और जिसमें जनरल सीट है 1074। बाकी कैटेगरी वाइज है अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन, एसपी। तो चलिए देख लेते हैं ये सभी जो है डिपार्टमेंट हैं। जैसे सर्विस डिपार्टमेंट की तरफ से Grade 4 जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, सर्विस डिपार्टमेंट स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है, दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड की तरफ से लोअर डिवीजन क्लर्क हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग दोनों की वैकेंसी है, टाइपिस्ट दोनों की वैकेंसी है, और यहीं पर जो है जूनियर स्टेनोग्राफर की भी वैकेंसी है। SCERT में जो है जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है। उसके बाद है जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी जो है दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी है। जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश की वैकेंसी है। जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की तरफ से। स्टेनोग्राफर Grade 2 की वैकेंसी है। लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी है एग्रीकल्चर मार्केटिंग की तरफ से। जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी की वैकेंसी है, और ये है दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड। असिस्टेंट Grade 1 की भी वैकेंसी है दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन की तरफ से। ये अलग अलग डिपार्टमेंट की जो है वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, तो ये जो है अगर जब आप अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को इसी लिंक पर जाना होगा, ये मेन वेबसाइट है अप्लाई करने के लिए। 7 फरवरी जो है लास्ट डेट रहेगी, तो अप्लाई करने 9 जनवरी से जो है एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। उससे पहले जो है बिल्कुल डिटेल में एडवर्टीजमेंट जारी होगा, जिसमें ये आपको पता लगेगा क्वालिफिकेशन जो है क्या रहने वाली है, एज क्या रहने वाली है, पे स्केल क्या रहेगी। ठीक है, तो ये जो है आपको जानकारी देनी थी, बिल्कुल नया विज्ञापन जारी किया गया है, और आगे देखिएगा 2-3 दिनों में आप लोगों को टीचर्स की बहुत सारी वैकेंसी जो है वो दिखाई देगी, परमानेंट सरकारी नौकरी। चैनल पर बने रहें, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस जरूर करें, ताकि जो भी वीडियो बनते हैं आप लोगों तक समय पर पहुँच सकें। बाकी किसी भी राज्य की वैकेंसी आती है, चाहे वह प्राइवेट हो, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हो, सरकारी हो, बिल्कुल आप लोगों को पता चलेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।